देखिए डहरिया जी तो एक टूल्स हैं, उसका खुद का कोई विवेक नहीं। जैसा जैसा रविंद्र चौबे जी कहेंगे माननीय मंत्री जी, वैसा वैसा वो खड़े होंगे। वो क्षमा के योग्य आदमी। आज तो उसको मुख्यमंत्री जी ने उचकाया। आज जो घटना घटी सदन के अंदर, वो सबके जिम्मेदारी यदि कोई है तो श्री भूपेश बघेल जी हैं और श्री रविंद्र चौबे जी हैं, दूसरा कोई नहीं। उनके कहने से क्या होता है? अभी तो मैं विधेयक पर भाषण दे के आ रहा हूँ, विधेयक का समर्थन करके आ रहा हूँ, विधेयक पर जो संदेह है उसको बोल के आ रहा हूँ। अब आप मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिए कि मेरे उठाए मुद्दों पर वो उत्तर देते हैं कि नहीं देते, कि मोहन मरकाम की तरह भाषण करेंगे, हम दे रहे हैं करके जो मुद्दे उठाए गए हैं उसमें वो बात करेंगे कि नहीं करेंगे। यह महत्वपूर्ण बात है। समर्थन महत्वपूर्ण था, हमने दिया, लेकिन उसके अंदर जो बातें हैं, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग अलग बोल रहा है, 58% के लिए कोर्ट में गए हैं, 21 की परीक्षाएं हो गई हैं, जब इतने कमिटेड हैं तो कल रोस्टर जारी करेंगे क्या वो? और इतने कमिटेड हैं तो संकल्प लाने की जरूरत क्या है? 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए करके। भारतीय जनता पार्टी खुद उकसा रही है कि आरक्षण संशोधन विधेयक मत आए, और इसलिए वो इस स्तर पर उतर आए हैं, गुंडागर्दी पर उतर आए हैं इनके विधायक और पूर्व मंत्री लोग, कि वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति को धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये इस पे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के विरोधी लोग हैं, ये आरक्षण का विरोध करते आए हैं और आज भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, आरक्षण कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अनुसूचित जाति का 16 से 12% किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12% को बढ़ा के 13% किया, जितना हमारा सेंसस में हमारा अनुसूचित जाति का आरक्षण है उतना हमको वापस किया उन्होंने। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का लोग विरोध कर रहे हैं, आरक्षण कटौती खुद करते हैं। इनका जो संशोधन विधेयक आरक्षण का लाया था रमन सिंह जी ने, हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, इसलिए हम हाई सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। वो मामला अलग है और ये मामला अलग है। हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को उनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिले, संविधान में जो प्रावधान है वो उनको मिले, उसका ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। अगर आप लोगों के ऊपर बैठ सकता हूँ, मेरे नेता का आदेश होना चाहिए। हम लोग भी अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी वो दम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं, और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा तो ये और दुर्भाग्यजनक है कि मुख्यमंत्री उकसाकर भेजें। अगर ऐसा ही चाहते हैं मैदान में कुश्ती लड़ना, तो अभी हम भानु प्रतापपुर में लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी कुश्ती का मैदान बना लें, हम लड़ेंगे।